राउत का कहना है कि संगठनात्मक निर्माण के लिए हम दौरे करते हैं। कल सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए परिणाम के अनुसार 18 महानगर पालिकाओं के चुनाव जल्द से जल्द लेने की सूचना है, इसलिए पूर्व से ही तैयारी चालू थी और इसलिए आगे भी जल्दबाजी करनी होगी। जो कार्यक्रम पूर्व नियोजित है वो हम कर रहे हैं। 14 तारीख को BKC में शिवसेना की बड़ी सभा आयोजित की गई है और 8 तारीख को संभाजीनगर में सभा है। किसी ने कितनी भी परेशानियां पैदा करने का प्रयास किया, फिर भी हमारे संगठनात्मक कार्य पर उसका कोई असर नहीं होगा। शिवसेना किस प्रकार काम करती है यह हिंदू समाज को, महाराष्ट्र की जनता को अच्छे से पता है। आज शाम को हमारी सभा है हड़पसर में, वहाँ की शिवसेना का एक बहुत बड़ा हमारे कार्यालय का उद्घाटन है हड़पसर में। कल भी हमारे सभी पुणे के कार्यकर्ताओं की बैठक है, बाद में हम पुणे ग्रामीण इलाके में जाएंगे। वहाँ जुन्नर, आंबेगाँव, मंचर इस एरिया में शिवसेना के कार्यकर्ताओं से मिलूँगा। तैयारी चल रही है पूरी तरह से, जो पार्टी का काम होता है रूटीन वही चल रहा है, नई बात नहीं उसमें कुछ। पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत दौरा असेल, कोणत्या पार्श्वभूमीवर? नक्कीच संघटनात्मक बांधणीसाठीच आम्ही दौरे करतो। काल ज्या प्रकारचा निकाल दिला सर्वोच्च न्यायालयाने, त्यानुसार मुंबईसह 18 महानगरपालिकांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचे त्यांच्या सूचना आहेत आणि त्यासाठी तयारी, पूर्वतयारी ही चालूच होती, पण त्याला आता वेगानं थोडंसं काही पावलं टाकावी लागतील। मुंबई असेल, पुणे असेल, नागपूर असेल, नाशिक, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, संभाजीनगर या महत्त्वाच्या महानगरपालिका शिवसेनेसाठी तर आहेत, महाविकास आघाडीसाठीसुद्धा आहेत। त्याच्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळावे, इतर काही कार्यक्रम हे पूर्वनियोजित आहेत, ते आम्ही करतो आहोत। त्यानंतर आम्ही पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र या भागामध्ये शिवसेनेचे सगळे खासदार शिवसंपर्क अभियानासाठी निघालेले आहेत, तो एक कार्यक्रम आहे। 14 तारखेला BKC मध्ये शिवसेनेची प्रचंड सभा आहे, मेळावा नाही सभा म्हणतो। त्यानंतर संभाजीनगरला 8 जूनला फार महत्त्वाची अशी सभा आहे। हे सगळे पक्षाचे कार्यक्रम सुरू होतील आणि हे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहे। म्हणजे कोणी कितीही भोंगे आपटले, भोंगे लावले, तरी त्याचा परिणाम आमच्या संघटनात्मक कामावर होत नाही। शिवसेना काय आहे आणि शिवसेना काय करते हे महाराष्ट्राच्या जनतेला, मराठी माणसाला, हिंदू समाजाला चांगला माहिती आहे। त्याच्यामुळे ती विचलित होत नाही, या राज्याची जनता ती ठामपणे शिवसेनेच्या मागे उभी असते। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।